अंबानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उन पर चीन की 3 बैंकों ने लंदन की एक अदालत में $68 करोड़ यानी कि 48.53 अरब रुपए का भुगतान नहीं करने का मुकदमा दर्ज किया। 2012 में इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना का मुंबई ब्रांच ICBC चाइना डेवलपमेंट बैंक ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना ने अनिल अंबानी की फर्म रिलायंस कम्युनिकेशन आरकॉम को निजी गारंटी की शर्त पर $92.52 करोड़ 66.3 अरब रुपए का ऋण दिया था। यह बात ICBC के वकील बंकिम थाकी ने अदालत को बताई। कोर्ट को बताया गया है कि फरवरी 2017 के बाद से अंबानी अपने भुगतान के दायित्वों की पूर्ति नहीं किए। इस संदर्भ में अंबानी का कहना है कि उन्होंने लोन के संदर्भ में कभी भी अपनी निजी संपत्ति की गारंटी नहीं दी थी। पिछले कुछ वर्षों में अनिल अंबानी की किस्मत बेहद खस्ता हाल चल रही है। लगातार वो देश के अमीर लोगों के श्रेणी में काफी पीछे जाते दिखाई दे रहे हैं, जबकि उनके बड़े भाई $56 अरब की संपत्ति के साथ एशिया के सबसे धनी और दुनिया के 14वें सबसे अमीर शख्स हैं। अनिल अंबानी पर कुल 4 कंपनियों पर 93,900 करोड़ रुपए का कर्ज है। इनमें 7,000 करोड़ रुपए का कुछ रेड नेवल एंड इंजीनियरिंग पर है, जबकि आर कैप पर सबसे ज्यादा 38,900 करोड़ का लोन है। वहीं इसके बाद नंबर रिलायंस पावर का है, इस कंपनी पर 30,200 करोड़ का कर्ज है। इसके अलावा रिलायंस इंफ्रा पर भी 17,800 करोड़ रुपए का कर्ज है। गुरुवार की अदालत की सुनवाई में ICBC के वकीलों ने न्यायाधीश डेविड वॉक्समैन से कहा है कि अंबानी को एक प्रारंभिक आदेश या एक सशर्त आदेश के लिए सुविधा समझौते के तहत संपूर्ण राशि और ब्याज का भुगतान करना होगा। हालांकि अंबानी ने अपनी संपत्ति का कोई भी सबूत देने से इनकार कर दिया है।